हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिबिट और टाइप्स ऑफ रिबिट ज्वाइन के बारे में और देखेंगे कि रिबिट का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है ना, और हम क्यों यूज़ करते हैं रिबिट को। ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले रिबिट क्या होता है। देखते हैं तो रिबिट क्या है, एक शॉर्ट सिलेंड्रिकल बार होता है जिसके ऊपर एक हेड लगा हुआ होता है। ठीक है, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है रिबिट का उसे शैंक कहा जाता है, और जो शैंक के नीचे वाला पार्ट होता है उसे टेल कहा जाता है। ठीक है, तो हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जो सिंपल जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है रिबिट का उसे शैंक कहते हैं। ठीक है, और शैंक के जो नीचे वाला पार्ट्स होता है उसे बोला जाता है टेल। ठीक है, और याद रखना कि इसके ऊपर जो शैंक के ऊपर वाले पार्ट्स को हम बोलते हैं हेड बोलते हैं। ठीक है, तो और जो याद रखना है आपको कि जो शैंक होता है उसे हम जनरली क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द रिबिट भी बोलते हैं। शैंक को ही क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द रिबिट भी कहा जाता है। ठीक है, तो रिबिट का यूज़ हम क्या करते हैं, परमानेंट फास्टनिंग के लिए करते हैं। दो प्लेटों को जो आपस में जोड़ दें तो उन्हें बोलता है फास्टनिंग कहा जाता है, तो फास्टनिंग के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फास्टनिंग क्या होती है। तो फास्टनिंग जनरली टू टाइप्स की होती है, एक होती है परमानेंट फास्टनिंग और दूसरी टेम्प्रेरी फास्टनिंग। परमानेंट फास्टनिंग में हम क्या कर सकते हैं, दो प्लेटों को जो हम आपस में ज्वाइन करें। ठीक है, तो अब उसको डिसेंबल करना है तो हमको पूरा उसको ब्रेक करके आपको डिस्ट्रॉय करके ही उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दोनों प्लेटों को अलग करना है तो दोनों प्लेटों को आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइंट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जब भी इसको बोलते हैं परमानेंट फास्टनिंग। ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, दिस फास्टनिंग विच कैन नॉट बी डिस्टिंग दिस असेंबल्स विथाउट डिस्ट्रॉय द कनेक्शन कंपोनेंट, एग्जांपल सोल्डरिंग, वेल्डिंग और ब्रेजिंग। ठीक है, जैसे हमने दो पार्ट्स को आपस में जोड़ा तो अब उसको डिसअसेंबल ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, और जैसे किसके एग्जांपल है, सोल्डरिंग, वेल्डिंग और ब्रेजिंग। टेम्प्रेरी फास्टनिंग क्या होती है, दिस फास्टनिंग विच कैन बी डिसअसेंबल विथाउट डिस्ट्रॉय है ना, जब हम क्या करते हैं इसको विदाउट डिस्ट्रॉय करके हम क्या कर सकते हैं, पार्ट्स को निकाल सकते हैं। जैसे की क्वार्टर को हम बिना डिस्ट्रॉय करके ही हम क्या करते हैं, पार्ट्स को निकाल सकते हैं। इसमें कोई हमें डिसेंबल नहीं करना पड़ता पार्ट्स, दो पार्ट्स को। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। तो हमारे पास कुछ है टाइप्स ऑफ रिबिट। तो उस रिबिट आप जरूर याद रखिए, तो इसके हेड के अकॉर्डिंग हम रिबिट का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले होता है स्नैप हेड। ठीक है, कभी आपको इस टाइप से हेड दिखे तो उसे बोला जाता है स्नैप हेड। ठीक है, अब होता है पैन हेड। पैन हेड क्या होता है, उसका हेड जो होता है थोड़ा टेपर के फॉर्म में होता है ना। इस तीसरे नंबर का होता है पैन हेड विथ टेपर। ठीक है, कुछ नहीं होता, जो पैन हेड होता है ना उसको यहाँ पर कर्व दे दिया जाता है, थोड़ा कर्व के फॉर्म में दिया जाता है और इसके ऊपर टेपर लगा दिया जाता है, तो टेपर हेड, तो पैन हेड विथ टेपर। और नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, नेक्स्ट है राउंड काउंटर शंक। ठीक है, तो इसका जो शंक होता है, ठीक है, ये इस टाइप से कुछ होता है, इसके जो ये राउंड शंक बनता है और इसके ऊपर क्या होता है, थोड़े कर्व दिए जाते हैं, तो राउंड शंक काउंटर शंक। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि फ्लैट काउंटर। फ्लैट क्या, कुछ नहीं, ये काउंटर, तो इसका जो काउंटर होता है वो फ्लैट हो जाता है, सिंपल। और एक होता है फ्लैट हेड, ये होता है फ्लैट हेड। ठीक है, इसका हेड पे जो रिबिट का क्लासिफिकेशन हेड पे किया गया। ठीक है, अब रिबिट भी जनरली अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो एक होता है लैप जॉइंट और होता है बट जॉइंट। ठीक है, तो लैप जॉइंट भी सिंगल, डबल और ट्रिपल लैप जॉइंट होता है। ठीक है, और डबल और ट्रिपल लैप जॉइंट को हम चेन और जिग जैग के फॉर्म में भी हम बता सकते हैं कि ये जिग जैग फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखते हैं बट जॉइंट। बट जॉइंट होता है सिंगल कवर प्लेट और डबल प्लेट कवर। इसमें भी क्या होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल टाइप्स के होते हैं। तो ये उसका कुछ क्लासिफिकेशन किया गया रिबिट जॉइंट के बारे में। ठीक है, तो आप देखिए लैप जॉइंट कुछ इस टाइप से होते हैं, जब दो प्लेटों को हम क्या करें, ये एक प्लेट होगी, ये एक प्लेट इस टाइप से होगी, यहाँ पर हम रिबिट लगा देते हैं। ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ मैं, ये दो प्लेट है। ठीक है, यहाँ पर हम कभी क्या करें, रिबिट लगा देते हैं, इसको बोलता है लैप जॉइंट। से क्या ओवरलैप कर रही है प्लेट है, इसको बोलते हैं लैप जॉइंट। अब बट जॉइंट में क्या होता है कि दो प्लेटें तो ऐसी लगी रहती है आपस में। ठीक है, इसके ऊपर से एक प्लेट और रख देते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं के रिबिट लगा देते हैं, उसे बोला जाता है बट जॉइंट। ठीक है, तो हम डायग्राम में समझ रहे हैं कि लेफ्ट जॉइंट इस टाइप से होता है, लेफ्ट जॉइंट कुछ इस टाइप से होता है और बट जॉइंट कुछ इस टाइप से होता है। अब मैंने कुछ लेफ्ट जॉइंट के क्लासिफिकेशन बताए कि ये होता है सिंगल रिबिटेड लेफ्ट जॉइंट, डबल रिबिटेड लेफ्ट जॉइंट। ठीक है, डबल रिबिटेड लेफ्ट जॉइंट और जिग जैग के फॉर्म में होते हैं, है ना, और क्या होता है चेन रिबिटेड और होता है जिग जैग रिबिटेड। ठीक है, तो सिंगल रिबिटेड में क्या होता है, एक प्लेट ये होती है, एक प्लेट ये होती है, सिंगल रिबिटेड बोला जाता है जिन्हें। और डबल रिबिटेड में क्या होगा कि एक प्लेट यहाँ पर ऐसे लगा देती है, यानी रिबेट की जो लाइनें होती है
वो डबल हो जाती है इसमें। ये देखो रिबिट की लाइन है कितनी होगी डबल, तो इसको डबल रिबिलेटेड, ठीक है, डबल रिबिलेटेड जिगजैग, तो ये डबल लाइन तो है पर ये फॉर्म क्या लगे इसके लाइन में नहीं लगे, थोड़े अलग फॉर्म में लगे, दूर दूर लगे ना, अलग अलग डिस्टेंस पर लगे, तो उसको बोलते हैं डबल रिबिलेटेड जिगजैग फॉर्म। अब होता है चेन, चेन क्या होता है कि जब रिबिट को हम लाइन से लगा दें एक रो में लगा दें तो उसको चेन रिबिटेड बोलते हैं। अब जिगजैग क्या होता है कि इंडिविजुअल में रैंडमली कहीं पर भी रिबिट लगा देना अपनी मर्जी से, उसको बोला जाता है जिगजैग के फॉर्म। इन दिस वे बट जॉइंट को हमने क्लासिफिकेशन किया गया, ये आप देख सकते हैं सिंपल, ये होता है बट जॉइंट, ठीक है ना। बट जॉइंट में आपको बताया कि इसको बोलेंगे सिंगल रिबिटेड, डबल रिबिटेड लेफ्ट जॉइंट, और ये कितना हूँ कितने लिए क्या है चेन के फॉर्म में एक, ठीक है, तो चेन बट जॉइंट, ठीक है फ्रेंड।